नमस्कार, भारत एट नाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। बुधवार की सुबह यानी आज सभी लोग एक डर के साथ उठे। डर कोरोना का, यास का, ब्लैक व्हाइट या येलो फंगस का नहीं, बल्कि ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप के चले जाने का था। सभी को एक ही डर था, क्या तस्वीरें पोस्ट हो पाएंगी, क्या आज अपने मन की बात कम शब्दों में की जा सकेगी, क्या अपनों से मैसेज में बात कर सकेंगे, या फिर आज से फिर एक दशक पीछे जाने का वक्त आ गया। मतलब SMS से मैसेज होंगे, कॉल से बातें होंगी और फोटो गैलरी में पड़ी रहेंगी, साझा नहीं हो सकती। कल आप सभी ने उस रेड के बारे में भी सुना होगा जो ट्विटर ऑफिस के दफ्तर में की गई थी। दरअसल बीते दिनों ट्विटर ने रूलिंग पार्टी BJP के कुछ नेताओं के ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया नाम का एक लेबल लगा दिया था, जिसको लेकर जमकर हंगामा हुआ। ट्विटर से इस तरह के लेबल को हटाने के लिए भी कहा गया था, लेकिन ट्विटर ने ऐसा नहीं किया और इसी के बाद होती है रेड। ये वो खबर है जो चौक चौराहों से लेकर हर मीडिया आपको बता रहा है, लेकिन क्या ये पूरा सच है? जी नहीं, ये आधा सच है। पूरा सच है कि क्या ट्विटर भारत के कानून के तहत काम करेगा या फिर अमेरिका में बैठे कुछ लोगों के लिए सिर्फ वो जवाबदेह है। ये पूरा मामला कुछ चुनिंदा ट्वीट्स को लेकर की गई बदले की कार्रवाई भर नहीं है, ये पूरा मामला बहुत बड़ा है। भारत सरकार ने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए कुछ मानक तय किए थे और घड़ी की सुइयां चल रही थी। IT कानून लागू करने की आखिरी तारीख आज थी। आई वुड से ए सॉफ्ट टच ओवरसाइट मैकेनिज्म वेयर वी आर इंसिस्टिंग अपॉन द प्लेटफॉर्म टू डेवलप द मैकेनिज्म। इन बड़ी कंपनियों के पास पूरे 3 महीने का वक्त था इन कानूनों को लागू करने के, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड है जिसे भारत सरकार ने फरवरी में इंट्रोड्यूस किया था। इनको भारत में चल रही टेक्नोलॉजी कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए लागू किया गया था। कुल जमाबात की लगाम लगाने के लिए, भारतीय कानून के दायरे में लाने के लिए, जिसको भारत में रहते हुए उन्हें फॉलो करना ही होगा, नहीं तो फिर परिणाम TikTok या PUBG वाले हो सकते हैं। ट्विटर ने नई गाइडलाइंस को लागू करने के लिए 6 महीने का समय मांग लिया, तो फेसबुक ने कहा कि वो नई नियमों का सम्मान करते हैं और लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सोशल मीडिया की नई गाइडलाइंस के तहत देश में सोशल मीडिया कंपनियों को कारोबार की पूरी छूट है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के हो रहे दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार नई गाइडलाइंस लेकर आई है। केंद्र सरकार की नई सोशल मीडिया गाइडलाइंस के तहत शिकायत के 24 घंटे के भीतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपत्तिजनक कंटेंट को हटाना होगा। नई गाइडलाइंस के अनुसार आपत्तिजनक कंटेंट को समय सीमा के अंदर हटाना होगा। देश में इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी को नियुक्त करना होगा। किसी भी सूरत में जिम्मेदार अधिकारियों को 15 दिनों के अंदर OTT कंटेंट के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों का निपटारा करना होगा। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हर महीने अपनी रिपोर्ट जारी करनी होगी। इसके अलावा किन पोस्ट और कंटेंट को हटाया गया या क्यों हटाया गया, इसके बारे में भी बताना होगा। भारत सरकार ने नई गाइडलाइंस को लागू कराने के लिए इन कंपनियों को पूरे 3 महीने का वक्त दिया था, लेकिन इसके बाद भी इन लोगों ने कोई फैसला नहीं लिया और ऐन वक्त पर कोई समय मांग रहा है, कोई कोर्ट जाने की बात कर रहा है, तो फिर कोई इस पर कुछ कहना ही नहीं चाहता। अब सवाल उठता है कि भारत में रहकर कारोबार कर रही इन कंपनियों को लॉ ऑफ लैंड क्यों नहीं मानना चाहिए? क्यों कुछ लोग इसको लेकर तरह तरह की फेक न्यूज फैला रहे हैं? ये बड़ी कंपनियां भारत में रहकर कारोबार तो करती हैं, साथ ही यहां के नागरिकों के बारे में अधिक जानकारी भी रखती हैं, साथ ही यहां के सामाजिक माहौल को भी एक हद तक कंट्रोल करती हैं, डाटा से समझते हैं। फेसबुक के भारत में 290 मिलियन यूजर्स हैं, 100 मिलियन इंस्टाग्राम अकाउंट हैं सिर्फ भारतीयों के। 2019 में फेसबुक ने भारत से 900 करोड़ की कमाई की थी। ट्विटर के भारत में 17.5 मिलियन यूजर्स हैं, भारत से लगभग 57 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करती है ये कंपनी। भारत में इन कंपनियों का कितना यूजर बेस है उतना कई देशों की जनसंख्या भी नहीं है। ये कंपनियां वर्चुअली बहुत कुछ कंट्रोल करती हैं, ये कंपनियां वर्चुअली भारतीय लोगों पर राज कर रही हैं। तो जब ऐसे में बात होती है कि इन कंपनियों पर भी लगाम लगाई जाए, इन कंपनियों को भी कुछ नए कानूनों के दायरों में लाया जाए, तो ये कछुए की चाल चलने लगती है। तो ऐसे में हर भारतीय को ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या ये कंपनियां सिर्फ अमेरिका को जवाब देंगी? मार्क जुकरबर्ग US कैपिटल में 3 बार पेश हो चुके हैं, ट्विटर के जैक डोसी 2 बार US कैपिटल में पेश हो चुके हैं, तो क्या इन लोगों की जवाबदेही सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित है? भारत में रहकर भारत के लोगों के डेटा को स्टोर कर भारत में एक अलग सोशल दुनिया बना लेने के बाद इनकी भारतीय सरकार के तहत कोई जवाबदेही नहीं होनी चाहिए? जर्मनी ने भी गूगल हेड ऑफिस में एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन का गठन किया है।
यूएस फ्लोरिडा स्टेट ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए नियम बनाए हैं। ये सोशल मीडिया कितने पावरफुल हैं, इसका इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे ट्विटर ने लगातार अमेरिका के जो राष्ट्र पूर्व राष्ट्रपति थे, माफ कीजिएगा, उनके हर ट्वीट को चेक किया और अंत में डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को ही सस्पेंड कर दिया। अब कुछ बातें सोशल मीडिया से उपजते खतरों को लेकर, क्यों इसको जवाबदेह बनाया जाना बहुत जरूरी है। तो आज का सोशल मीडिया लोगों को जोड़ नहीं रहा, करीब नहीं ला रहा है, बल्कि उन्हें डिवाइड कर रहा है। शुरू शुरू में इसका भरपूर मजा आया, पोस्टकार्ड चिट्ठी वालों के हाथ में अब कुछ नया आया था और उन्होंने इसका बखूबी इस्तेमाल किया। लेकिन अब इस फ्री सोशल मीडिया का ऋण चुकाने का वक्त आ गया है। अब यहां हर कोई बुद्धिजीवी हो गया है, तर्क मर गए हैं, अब सिर्फ जाति, धर्म, राजनीतिक लाइन, सामाजिक स्टेटस देखकर ही बात होती है। व्हाट्सएप ग्रुप के नाम पर कई स्लीपर सेल चल रहे हैं, गैंग बनाना आसान हो गया है। ये गैंग जरूरत पड़ने पर कुछ सेकंड में भीड़ बनके सामने आ जाएगा और किसी को भी मार देगा। और यहां हिंदू मुसलमान करने वाला सबसे बड़ा ललूट है। ये गैंग कभी भी कोई भी प्रोपेगेंडा लेकर चल देता है, कोई भी प्रोपेगेंडा शिखर पर पहुंचाने के लिए काफी है। बहरहाल हर नई चीज के साइड इफेक्ट्स सामने आते रहे हैं और आते रहेंगे जब तक कि उसे इस्तेमाल करने वाले समझदार नहीं। मसलन अगर बंदूक सुरक्षा के लिए होती है तो नासमझ के हाथ में पड़ने से आत्मघाती और विध्वंसक भी बन जाती है। आज इंटरनेट हर किसी की पहुंच में है, ऐसे लोगों के हाथ में भी स्मार्टफोन है जिन्हें उसके फंक्शन भी नहीं पता है। जो देश अभी साक्षर तक नहीं हो पाया है, जिन्होंने कभी अखबार नहीं पढ़ा, जिन्होंने खबरों का मतलब भी नहीं पता, वो व्हाट्सएप और फेसबुक की अफवाहों को सच मानेंगे ही। उन्हें बरगलाते हैं वो लोग जिन्हें बवाल से मतलब निकालना होता है। तो ऐसे में जब कोई चीज इतनी ताकतवर हो चुकी हो और हर किसी के हाथ में ये हथियार लग चुका हो तो जरूरी हो जाता है कि इसे संविधान के दायरे में लाया जाए। क्योंकि याद रखिए, सोशल मीडिया का विधान देश से बड़ा नहीं हो सकता। कल फिर इस वक्त आपसे मुलाकात होगी, तब तक देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।